नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ललित सिंह और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स इसकी डिटेल्स बिल्कुल नए टॉपिक्स हैं, क्योंकि अभी तक जो हम चीजें पढ़ के आए हैं वो न्यूटोनियन फिजिक्स या फिर आइंस्टीन रिलेशंस के बेसिस पर हमने चीजों को स्टडी करा है। और बिल्कुल एक नया पार्ट हमारे सामने आ जाता है जो कि है क्वांटम, और क्वांटम में किस तरह से पेपर्स को, किस तरीके से इक्वेशंस को लिखा जाता है, क्या क्या सिंबल्स के मीनिंग होते हैं, वेरिएबल्स अपने आप में किस तरीके से लिखे जाते हैं, कैलकुलेशन मेथड क्या है, ऑपरेटर्स क्या हैं, क्या क्या इसकी गणितीय गणनाएं संभव हो सकती हैं, उन सब के बारे में हमको स्टडी करनी है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि आखिर क्वांटम है क्या या क्वांटम की हमको जरूरत क्यों पड़ी। तो अगर थोड़ी बहुत अपन थियोरिटिकल डिटेल की बात करें तो इससे पहले ये स्टोरी शुरू होती है अराउंड 1900 में। मैक्स प्लैंक ने एनर्जी क्वांटाइजेशन नाम के कंसेप्ट दिए थे जिनके बेसिस पर चीजों को वापस से स्टडी करना शुरू करा थे। तो देखिए हुआ क्या, अभी तक जो हमने चीजें स्टडी करी थी वो क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन था, क्लासिकल मैकेनिक्स की चीजें थी, जिसको हम चिर सम्मत सिद्धांत भी बोलते हैं। और चिर सम्मत सिद्धांत की अवधारणा के अनुसार हमने फोर्सेस की बात करी, मोमेंटम की बात करी, एनर्जी की बात करी, वेव्स की बात करी, तरंगों की बात करी, तो बल, संवेग, इन सभी चीजों को हमने चिर सम्मत सांख्यिकी के अनुसार स्टडी करा। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो चिर सम्मत सांख्यिकी थी, जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी, उसमें मैटर की और एनर्जी की बात की गई, द्रव्य और ऊर्जा की, या इनमें किस प्रकार से कोरिलेशंस हो सकते हैं, उन चीजों को हमने स्टडी करा। आगे जाकर जैसे जैसे साइंस डेवलप होना शुरू हुआ, जैसे जैसे नई चीजें आनी शुरू हुई, तो यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स ऐसे निकल कर आए जिनको क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन से, चिर सम्मत सांख्यिकी से समझाना पॉसिबल नहीं हुआ। जैसे अपन बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, क्वांटन प्रभाव, ये वो प्रभाव थे जिनको नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स के बिहेवियर पर, द्रव्य या ऊर्जा की परिकल्पनाओं के आधार पर समझाया नहीं जा सकता था। तो एक नई थ्योरी डेवलप करने की हमको रिक्वायरमेंट हुई, और उस थ्योरी को या इन इफेक्ट्स को एक तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स के स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग स्टडी करा जा सकता है। आगे जाकर जरूर हम इसकी डिटेल की बात करेंगे, लेकिन एक बेसिक आइडिया की फॉर्म में हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास क्वांटम या प्रकाश विद्युत प्रभाव था, उनको नॉर्मल सांख्यिकी के अनुसार समझाना पॉसिबल नहीं है। ये दोनों प्रभाव के नाम मैंने इसलिए लिए क्योंकि अधिकतर हमने इन प्रभाव के बारे में सुना हुआ है, थोड़ा बहुत हमको आइडिया भी है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, क्वांटम सिद्धांत किस प्रकार से वहां पर प्रतिपादित किए जा सकते हैं। तो इन्हीं चीजों के आधार पर हम आगे की स्टडी की गणना शुरू करते हैं। देखिए, क्वांटम सांख्यिकी के अगर जनक की बात की जाए तो वहां पर हम सबसे पहले मैक्स प्लैंक का नाम लेते हैं। अराउंड 14 दिसंबर 1900 के आसपास इसने अपना पेपर पब्लिश करा था, और जिस पेपर में सर्वप्रथम एनर्जी क्वांटाइजेशन पैकेट्स या ऊर्जा के पैकेट्स की बात की गई थी। अब बात आती है ऊर्जा क्या होती है या ऊर्जा के पैकेट्स क्या होते हैं। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एनर्जी या ऊर्जा वह फिजिकल फैक्टर है, वह भौतिक कारक है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। ऊर्जा को एक भौतिक कारक माना गया है जो किसी भी वस्तु, किसी भी कण के भौतिक अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं होगी तो हम कण का भौतिक अस्तित्व भी नहीं मान सकते। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल की बात करें कि हम कहते हैं कि कोई कण इन्फिनिटी पर है, एक पार्टिकल है, एक कण है जो कि अनंत पर पाया गया है। अगर कण अनंत पर है तो अनंत खुद अपने आप में एक इमेजिनरी पॉइंट है, एक इमेजिनेशन है, इसलिए इन्फिनिटी पर किसी भी पार्टिकल की एनर्जी को हम डायरेक्टली जीरो मान लेते हैं। तो ऊर्जा वह भौतिक कारक आपके पास हो गया जो इस भौतिक वर्ल्ड में, इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में विभिन्न कणों के अस्तित्व के लिए जरूरी होगा। ऊर्जा के प्रारूप यहाँ पर कई प्रकार से हो सकते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण भी हो सकता है, लेकिन अगर टर्म एनर्जी की बात की जाए, ऊर्जा की बात की जाए, तो ऊर्जा को हम किसी भी कण के अस्तित्व के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक मानकर चलते हैं। अब देखिए आगे क्या हुआ कि जब चिर सम्मत सांख्यिकी के हम बात करते हैं तो चिर सम्मत सांख्यिकी में हम ऊर्जा का प्रवाह, उसका उत्सर्जन या अवशोषण एक प्रकार से कंटिन्यूअस बिहेवियर के बेसिस पर या तरंगों के बेसिस पर, सतत तरंगों के बेसिस पर मानकर चला जाता है। हम यही मानते हैं कि अगर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है या ऊर्जा अवशोषित हो रही है, तो वहां पर वह हमेशा सतत प्रारूप में अवशोषित या उत्सर्जित होगी। लेकिन 1900 के आसपास या 1900 में
मैक्स प्लैंक ने यह बात बोली कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण स्वयं ऊर्जा के सबसे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। एक ऐसा पैकेट जो अपने आप में इंटैक्ट है, अपने आप में कंप्लीट है, जिसको और ज्यादा छोटे पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते। इन ऊर्जा के सबसे सूक्ष्मतम पैकेट्स को क्वांटा या फोटोन कहा गया। जब हम विजिबल लाइट की बात करते हैं, जब हम दृश्य तरंगों की बात करते हैं, तो दृश्य तरंगों के लिए हमने जो टर्म स्पेसिफाइड कर दी वो थी फोटोन। और जब हम पूरे की पूरे विद्युत चुंबकीय विकिरण की बात करेंगे तो वहां पर यही ऊर्जा के पैकेट्स क्वांटा की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। क्वांटा और फोटोन अपने आप में एक सिनोनिमस ही है, अपने आप में एक दूसरे के ही कारक हैं। तो फोटोन वर्ड स्पेसिफाइड है कि हम वहां पर विजिबल लाइट या फिर दृश्य प्रकाश की बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से अगर कहीं पर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, कहीं पर ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, तो वो इन्हीं क्वांटा या फोटोन्स की फॉर्म में होगा। और ये फोटोन्स ऊर्जा के सूक्ष्मतम कण होंगे, ये ऊर्जा का स्मॉलेस्ट पैकेट है। इसको हम ना ही तो डिवाइड कर सकते हैं, इसको ना ही अपन एक तरीके से किसी भी दूसरे फॉर्म में नहीं बांट सकते, ठीक है। तो ऊर्जा के इन सबसे सूक्ष्मतम पैकेट्स को ही हमने फोटॉन्स के रखा है, इन्हीं को हमने क्वांटा के रखा है। तो इन चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ये प्रभाव हम पिछली क्लासेस में पढ़कर आ रखे हैं, इसलिए हम इसी चीज को सबसे पहले स्टडी करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज था और इसने क्वांटम परिधारणा का किस प्रकार से प्रतिपादन किया, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव को अगर हम लैंग्वेज फॉर्म में पढ़ना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि यह वह प्रभाव है जब ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा, प्रकाश की एक निश्चित मात्रा, प्रकाश की एक निश्चित आवृत्ति या एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटालिक सरफेस पर इंसिडेंट होती है, किसी धात्विक सतह पर आपतित होती है, तो वहां पर धातु के इलेक्ट्रॉन उस प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, अपने नाभिकीय आकर्षण से मुक्त होते हैं और सर्किट में परिपथ में गति करना प्रारंभ कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स की इन्हीं गति के कारण जो विद्युत धारा हमें प्राप्त होती है उसको हम प्रकाशीय विद्युत धारा कहते हैं। तो देखिए, लैंग्वेज फॉर्म में हमने मान लिया कि जब भी किसी निश्चित आवृत्ति के प्रकाश को किसी धात्विक सतह पर आपतित किया जाएगा तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में धात्विक इलेक्ट्रॉन्स की गति के कारण जो विद्युत धारा प्राप्त होगी उसको प्रकाश विद्युत धारा बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, और यह प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। अब इसमें होता क्या है, किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल ओवरव्यू देखा गया, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरव्यू की कि एक्सपेरिमेंट हमारे पास किस तरीके से था। यहां पर हम प्रकाशीय विद्युत धारा को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं, क्यों इस प्रभाव को क्लासिकल थ्योरी चिरसम्मत सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, किस तरीके से इक्वेशंस वगैरह प्राप्त किए गए, उन सब की अपन यहां पर बात करने वाले। तो देखिए, अगर एक्सपेरिमेंटल ओवरव्यू की बात की जाए तो हमारे पास एक पायरेक्स ग्लास का ट्यूब लिया गया जहां पर प्रकाशीय आपतन के लिए एक विंडो छोड़ दी गई, दो धात्विक इलेक्ट्रोड्स यहां पर लगे हुए थे और इन धात्विक इलेक्ट्रोड्स को कुमुटेटर से हमने कनेक्ट कर रखा। कुमुटेटर या दिक परिवर्तक एक ऐसा डिवाइस होता है जो इन इलेक्ट्रोड्स की ध्रुवता को परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो सपोज ये हमने एक कुमुटेटर यहां पर बनाया, प्रकाश विद्युत धारा के मापन के लिए एक माइक्रोमीटर लगा दिया गया, इलेक्ट्रोड्स को पोलैरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमने एक्सटर्नल सोर्स का, एक्सटर्नल बैटरी का यूज किया। तो इस एक्सटर्नल बैटरी के बेसिस पर ये हमारे पास बाहरी वोल्टता स्रोत V लगा दिया गया और इस वोल्टता के मापन के लिए समांतर क्रम में
पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक वोल्टमीटर का यूज करा गया। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इसलिए इसको एनोड बोल देते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है कैथोड बोल दिया गया, ये था हमारे पास कम्यूटेटर या फिर दिक परिवर्तक, जिसका मुख्य कार्य है इन प्लेट की पोलैरिटीज को, इन इलेक्ट्रोड्स की पोलैरिटी को चेंज करना, यहां से एक्सटर्नल लाइट बाह्य प्रकाश इन चीजों के ऊपर प्लेट्स के ऊपर इंसिडेंट करा। ठीक है, सपोज जो प्रकाश इंसिडेंट किया जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी हम न्यू मान लेते हैं, तो ये एक प्रकार से जो प्रयोग किया गया था उस प्रयोग का एपरेटस व्यू है, उस प्रयोग का हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। हमारे पास यहां पर ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट करा गया, निर्वात रखा गया, जिससे कि स्पार्किंग की संभावनाओं को रोका जा सके। तो यह आपके पास एक बेसिक क्राइटेरिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक परीक्षा को समझने का। तो देखिए क्या हुआ कि जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश इस इलेक्ट्रोड पर केथोड पर इंसिडेंट किया जाता है, केथोड की ध्रुवता ऋणात्मक है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी। ये जो आपके पास प्रकाशीय तरंगे इसके ऊपर आपतित हुई, इन प्रकाशीय ऊर्जा को जो केथोड में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वे एब्जॉर्ब करते हैं, अपने नाभिक के आकर्षण से फ्री होते हैं और सर्किट में गति करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और एनोड की प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण सभी इलेक्ट्रॉन उस एनोड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होंगे, जिससे कि सर्किट कंप्लीट होगा और हमारे पास करंट वगैरह की प्राप्ति हो। इस दिक परिवर्तक की सहायता से ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है इनकी ध्रुवता को बदला जा सकता है। किस प्रकार से बदला जाएगा कि जैसे एनोड है और एनोड की पोलैरिटी पॉजिटिव है, जो कैथोड है उसकी पोलैरिटी नेगेटिव। अगर हम एनोड को नेगेटिव पोलैरिटी देना शुरू करें या एनोड की ऋणात्मक ध्रुवता को बढ़ा दिया जाए, तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि एनोड की पॉजिटिव पोलैरिटी डिक्रीज होना शुरू करेगी। इसी प्रकार से अगर कैथोड की पॉजिटिव पोलैरिटी को धनात्मक ध्रुवता को बढ़ाया जाए, तो एक प्रकार से इस कैथोड की नेगेटिव पोलैरिटी में कमी आना शुरू हो जाए। दिक परिवर्तक का मुख्य कार्य यही है कि यह दोनों इलेक्ट्रोड्स की जो पोलैरिटी है उनको स्विच करने का या नॉट स्विच उनको चेंज करने का कार्य करता है। एनोड की धनात्मक ध्रुवता को भी बढ़ाया जा सकता है या एनोड की ऋणात्मक ध्रुवता को भी बढ़ाया जा सकता है, और अगर एनोड के पास में ऋणात्मक ध्रुवता बढ़ाई गई तो एक प्रकार से उसकी पॉजिटिव पोलैरिटी में कुछ ना कुछ डिक्रीमेंट आना, कुछ ना कुछ कमी आना शुरू होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रकार का प्रैक्टिकल एपरेटस था। अब देखिए इसके रिजल्ट अगर बात की जाए, इसके परिणाम देखे जाएं, तो रिजल्ट या परिणाम को किस प्रकार से समझाया गया कि सर्वप्रथम एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश इस कैथोड के ऊपर आपतित किया गया और हमने देखा कि उस स्थिति में प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, एनोड की तरफ गति करना प्रारंभ करे, जिससे कि आपके पास सर्किट में धारा फ्लो करी और उस धारा को हमने एमीटर की सहायता से माप लिया। हम ये मगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने क्या करा, दिक परिवर्तक की सहायता से अगर एनोड की नकारात्मक ध्रुवता को बढ़ाया गया तो जो प्रकाशीय विद्युत धारा हमको प्राप्त हुई थी उसमें स्लोली या फिर समानुपातिक रूप से कमी आना शुरू हुई, और इसी प्रकार से एनोड की ऋणात्मक ध्रुवता को बढ़ाते बढ़ाते हम उस कंडीशन पर पहुंच गए जहां पर एनोड और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन हो गया। मैक्सिमम रिपल्शन होने के कारण एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ नहीं पहुंचेगा और प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा आपके पास रिजल्ट प्राप्त हुआ था कि जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश इसके ऊपर आपतित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करता है, एनोड की तरफ गति करता है और सर्किट में विद्युत धारा की प्राप्ति होती है। जो विद्युत धारा हमको मिल जाती है उसको हम प्रकाशीय विद्युत धारा कह देते हैं। इस दिक परिवर्तक की सहायता से जैसे जैसे वोल्टता को, जैसे जैसे एनोड की ऋणात्मक वोल्टता को बढ़ाया जाता है, प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी ऑटोमेटिकली कमी आना शुरू हो जाती है और एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर प्रकाश विद्युत धारा हमको शून्य प्राप्त होती है। ठीक है, जिस पॉइंट पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हुई उस विभव के ऋणात्मक मान को निरोधी विभव या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा गया। ठीक है,
तो ये एक तरीके से इसके रिजल्ट थे। अब मेन बात आती है कि इन रिजल्ट को किस तरीके से एक्सप्लेन करा जाए, इन रिजल्ट को किस प्रकार से समझाया जाए, क्योंकि जो मेन कंसेप्ट आपको समझना है वह प्रकाश के कणीय प्रकृति को, ऊर्जा के क्वांटम परिकल्पना को समझाने का हमारा मुख्य काम था, और क्वांटम परिकल्पना के आधार पर इस टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करा गया। तो इसको समझाने के लिए हम एक बेसिक स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। देखिए, अगर समझने की दृष्टि से बात की जाए तो मेटालिक सरफेस पर ये मेटल एटम की अपन बात करते हैं, इसका अपना न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स को चक्कर लगाता हुआ माना जाएगा। हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की या संयोजी इलेक्ट्रॉन की यहां पर बात करते हैं। जो नाभिक है वो धनात्मक आवेशित होता है, जो इलेक्ट्रॉन है ऋण आवेशित है। तो एक तरीके से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बंध काम करेगा, और इस बंध की ऊर्जा को सपोज हमने E1 मान रखा है। अगर आपके पास फोटोन इंसिडेंट करा गया और उस प्रकाशीय ऊर्जा का मान, उस फोटोन की ऊर्जा का मान इस बंध की ऊर्जा के मान से कम हुआ, तो हमारे पास ये माना जा सकता है इनडायरेक्ट वे में कि ये बंध ब्रेक नहीं होगा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, और अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के आकर्षण से फ्री नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो सर्किट में मोशन भी नहीं कर रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन की अगर मोशन नहीं होगी तो प्रकाश विद्युत धारा हमको शून्य प्राप्त होगी। ठीक है, दोबारा देखिए कि आपके पास जो आपतित फोटोन था, अगर आपतित फोटोन की ऊर्जा इस बंध की ऊर्जा से कम हुई, अगर आपतित फोटोन की ऊर्जा इस बंध की ऊर्जा से कम हो जाती है, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से मुक्त नहीं होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से मुक्त नहीं हुआ तो सर्किट में किसी भी प्रकार का करंट हमको प्राप्त नहीं होगा। अब अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स या फिर जितने भी आपतित फोटॉन्स हैं उनकी तीव्रता को बढ़ा दिया जाए, उनकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाए एक ऐसी सिचुएशन में कि जहां पर फोटोन की ऊर्जा इस बंध की ऊर्जा से कम है, और नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन को हम इंक्रीज कर रहे हैं, आपतित होने वाले फोटोन की संख्या को बढ़ा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में कभी भी आपके पास फोटोन इतनी एनर्जी नहीं दे पा रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर सके, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो हमारे पास प्रकाशीय विद्युत धारा हमेशा शून्य रहेगी। ठीक है, अगला स्टेप हम मानकर चलते हैं कि यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा इस बंध की ऊर्जा के मान के बराबर हो जाए, तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अबाउट टू फ्री, इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है लेकिन वो मोशन नहीं कर रहा है, इट इज जस्ट अबाउट टू मूव इन द सर्किट, और ये वो सिचुएशन होती है जहां पर प्रकाश विद्युत धारा की प्राप्ति जस्ट होनी चाहिए। ठीक है, इस आपतित आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति या फिर थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एक प्रकार से थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति, आपतित प्रकाश की उस विशेष आवृत्ति का मान है जिससे संगत ऊर्जा धात्विक इलेक्ट्रॉन्स को नाभिकीय आकर्षण से मुक्त करने के लिए आवश्यक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है बट इट इज जस्ट अबाउट टू मूव, ये सर्किट में मोशन करने के लिए तैयार है, मोशन कर नहीं रहा है लेकिन यहां पर ये मोशन करने के लिए जस्ट रेडी हुआ। इस स्थिति में जो आपके पास प्रकाशीय तरंग दैर्ध्य होगा उसको देहली तरंग दैर्ध्य कहा जाएगा, और देहली आवृत्ति का मान देहली तरंग दैर्ध्य के साथ निम्नांकित रिलेशन के अनुसार रिलेट किया जा सकता है। हम जानते हैं कि जो आवृत्ति होती है वह तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो आवृत्ति से संगत ऊर्जा ये धात्विक कार्यफलन कहलाएगी, और इस कार्यफलन को हम ये समझ सकते हैं कि कार्यफलन उस ऊर्जा का मान है जिसको अवशोषित करने के पश्चात धात्विक इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर आ चुका है मोशन करने के लिए या फिर करंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तीसरी सिचुएशन में अगर हमारे पास तीसरी सिचुएशन यहां लिखते हैं कि जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसका मान इस बंध के मान से ज्यादा हो गया, तो अब आसानी से कुछ ऊर्जा जो कि कार्यफलन के बराबर है वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, अपने नाभिक के आकर्षण से फ्री होगा, और बची ऊर्जा के साथ में ये उस सर्किट में मोशन करना, गति करना प्रारंभ कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लिखी जाए, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा लिखी जाए, तो वो गतिज ऊर्जा इस समीकरण के आधार पर आसानी से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, जब तक आपके पास आपतित ऊर्जा का मान
इस बंद की ऊर्जा के मान से कम रहा, इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री नहीं हुआ, कोई विद्युत धारा की हमको प्राप्ति नहीं हुई। जब ये दोनों बराबर हो गए कि आपतित फोटोन से संगत जो ऊर्जा है वह इस बंद की ऊर्जा के बराबर हुई, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के आकर्षण से फ्री हुआ, और जैसे ही आपके पास आपतित ऊर्जा का मान बंद की ऊर्जा के मान से ज्यादा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से फ्री होकर जो रिमेनिंग एनर्जी है, जो बची हुई ऊर्जा है, उसके सापेक्ष सर्किट में आसानी से मोशन करना शुरू कर देगा, और यही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मोशन करने के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा के रूप में लिखी जाएगी। बिल्कुल बात क्लियर। तो हमको प्रकाश विद्युत प्रभाव को इन बेसिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में याद रखना है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई गलती हमारे पास नहीं होने वाली। ठीक है, तो देखिए कुछ एक टर्म्स यहां पर इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हमने थ्योरिटिकल में मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर दी है, फिर भी एक बार उनको जरूर अपन ध्यान में रख लेते हैं। पहला चीज हमारे पास आता है दहली आवृत्ति। ठीक है, दहली आवृत्ति का मान किस प्रकार से लिखा जाए, परिभाषा किस प्रकार से लिखी जाए, तो हम कह सकते हैं आपतित प्रकाश या आपतित फोटोन की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन नहीं होता है, जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत धारा की प्राप्ति नहीं होती है, उस न्यूनतम आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहा जाता है। और दहली आवृत्ति थ्रीशोल्ड के लिए हम सिंबल यूज करते हैं न्यू थ्रीशोल्ड। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो हम काम में लेते हैं धातु का कार्य फलन, वर्क फंक्शन। कार्य फलन का मतलब क्या होगा कि ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन अपने नाभिकीय आकर्षण से मुक्त हो जाए, जिसके द्वारा धात्विक इलेक्ट्रॉन धातु के नाभिकीय आकर्षण से फ्री हो जाए, उस ऊर्जा के मान को कार्य फलन कहते हैं। और कार्य फलन को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू हो जाती है एच इंटू न्यू थ्रीशोल्ड। ठीक है भाई, देखिए कि थ्रीशोल्ड आवृत्ति, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी थी जिसने इलेक्ट्रॉन को फ्री करा था। संगत ऊर्जा को हम एच न्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और यही ऊर्जा धातु के कार्यफलन की इक्वल होनी चाहिए। जो कार्यफलन है वो एक तरीके से धातु की प्रकृति है, अलग अलग धातु के लिए नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य जो बंध है उसका मान अलग अलग हो सकता है, उस बंध की ऊर्जा अलग अलग हो सकती है, इसलिए कार्यफलन धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। बात क्लियर। अब हमारे पास बात आती है कि भिन्न भिन्न प्रभावों के आधार पर हम प्रकाश विद्युत धारा को किस प्रकार से फ्लक्चुएट करता हुआ मानते हैं, किस प्रकार से चेंज होता हुआ मानते हैं, उस एक एक पैरामीटर की यहां पर अपन बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात आई इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल या फिर विभव का प्रभाव। ठीक है, इसको निम्नांकित रूप से समझते हैं अपन। यहां पर हमने पोटेंशियल ले लिया, यहां पर हमने प्रकाश विद्युत धारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट मान रखा है। देखो लॉजिकली सोचो कि इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो इस पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ अट्रैक्ट होना चाहता है। अगर हम दिक् परिवर्तक की सहायता से इस एनोड की धनात्मक वोल्टता को बढ़ा दें, दिक् परिवर्तक की सहायता से इस एनोड की पॉजिटिव पोलैरिटी को इंक्रीज करा जाए, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव पोलैरिटी के बीच में अट्रैक्शन और ज्यादा इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन और तीव्र गति से इस प्लेट की ओर आकर्षित होगा, जिससे प्रकाशीय धारा के मान में ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट आएगा। जैसे जैसे हम पॉजिटिव पोलैरिटी को बढ़ाते जाएंगे यह आकर्षण बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ती जाएगी, और उस आधार पर प्रकाशीय विद्युत धारा के मान में भी वृद्धि होती जाएगी। लेकिन अगर इस दिक् परिवर्तक की सहायता से इसकी पोलैरिटी, जो इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी है, उसको कम करा जाए, तो पॉजिटिव पोलैरिटी कम करने के कारण इलेक्ट्रॉन और एनोड के बीच में आकर्षण भी कम होगा। हम इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी कम कर रहे हैं या इसकी नेगेटिव पोलैरिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, और सपोज हमने एनोड को इतनी नेगेटिव पोलैरिटी, इतनी ऋणात्मक ध्रुवता दे दी कि इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में प्रतिकर्षण मैक्सिमम हो चुका है, रिपल्शन मैक्सिमम हो चुका है, तो रिपल्शन मैक्सिमम होने के कारण इलेक्ट्रॉन कभी भी यहां पर पहुंच ही नहीं पाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर पहुंचा नहीं, इलेक्ट्रॉन का पाथ कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में हमारे पास विद्युत धारा भी जीरो प्राप्त हो। तो देखे क्या होगा कि जैसे जैसे हम
एनोड की पॉजिटिव पोलैरिटी को बढ़ाते जाएंगे, प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता जाएगा, या जैसे जैसे एनोड की पॉजिटिव पोलैरिटी को कम करते जाएंगे, उसकी ऋणात्मक ध्रुवता को बढ़ाते जाएंगे, तो प्रकाश विद्युत धारा कम होगी और हमको एक ऐसा नेगेटिव विभव प्राप्त होगा, एनोड की ऐसी ऋणात्मक ध्रुवता प्राप्त होगी जिस पर प्रकाश विद्युत धारा जीरो हो जाएगी। और इस कंडीशन को, इस पॉइंट को हम निरोधी विभव बोल सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि अल्टीमेटली इन इलेक्ट्रॉन्स को इन एनोड की तरफ जाने से हमको रोकना है, और वो तभी हो सकता है कि जब ये नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके द्वारा प्रतिकर्षित हो जाए। इसलिए एनोड की ऋणात्मक ध्रुवता को हमको इंक्रीज करना है, इसके नेगेटिव पोलैरिटी को इतना रख देना है कि यहां से ये एक भी इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट ही ना हो पाए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस ऋणात्मक ध्रुवता से अगर प्रतिकर्षित हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा हमारे पास जीरो हो जाए। ठीक है, तो हमेशा विभव की बात की जाए तो आप पोटेंशियल को जैसे जैसे इंक्रीज करोगे प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे हम पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे तो एक विभव के निश्चित ऋणात्मक मान के लिए प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाएगी, और इस ऋणात्मक मान को हम निरोधी विभव या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम बात करते हैं आवृत्ति के प्रभाव की, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए आवृत्ति के प्रभाव की अगर बात की जाए तो पहली कंडीशन तो हमारे पास यही आ जाती है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम हो तो प्रकाश विद्युत धारा कभी प्राप्त ही नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन कभी नाभिक के आकर्षण से मुक्त नहीं होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से मुक्त नहीं हुआ है तो प्रकाश विद्युत धारा को हम डायरेक्टली जीरो मान सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हम लिख सकते हैं कि आपतित प्रकाश इस दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का है। ठीक है, जब आपतित प्रकाश दहली आवृत्ति के अधिक होगा तो उसकी संगत ऊर्जा भी धातु के कार्यफलन से ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा, आसानी से अपने नाभिक आकर्षण से फ्री होगा और आसानी से आपके पास एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा जिससे प्रकाशीय विद्युत धारा की प्राप्ति हो जाए। अब समझिए इस चीज को कि सपोज हम यहां पर तीन ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं, न्यू वन, न्यू टू एंड न्यू थ्री, तीन अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश हमने आपतित करा है और ये सभी आवृत्तियों की मान इस दहली आवृत्ति के मान से अधिक, मतलब प्रकाश विद्युत धारा की प्राप्ति तो हमको होने वाली है। हम रिलेशन मान सकते हैं कि न्यू वन का मान न्यू टू से ज्यादा है, न्यू टू का मान न्यू थ्री से ज्यादा है, मतलब अधिकतम जो आपके पास आवृत्ति है वो न्यू वन है। और यहां पर ये ध्यान रखना है कि ये तीनों आवृत्तियां इनकी जो वैल्यू है वो थ्रीशोल्ड वैल्यू से वैसे ही हमने ज्यादा मान रखी है। तो एक तरीके से जब आप प्रकाशीय ऊर्जा की बात करोगे इसमें से कार्य फलन के द्वारा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और ये जो बचा हुआ मान है यही मान इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरे केस में हम मान सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होगी वो इतनी होगी। ठीक है, तीसरे केस में Hν2-φ के द्वारा उस चीज को लिखा जा सकता है। तो कंपैरिजन के लिए हम यहीं पर बात करते हैं कि जब आपके पास न्यू वन का मान मैक्सिमम था तो ये जो ऊर्जा है वो भी इन तीनों से, तीनों कैटेगरी में मैक्सिमम होगी, जो ऊर्जा का अंतर है वो भी कैटेगरी में मैक्सिमम होगा और गतिज ऊर्जा भी हमको मैक्सिमम प्राप्त होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर न्यू थ्री की बात की जाए तो न्यू थ्री के केस में इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो मिनिमम होगी, मतलब जब हमारे पास न्यू वन आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जा रहा है तो इन तीनों कैटेगरी के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन अधिकतम गतिज ऊर्जा से एनोड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब जब हम निरोधी विभव की बात करते हैं तो हमने पहले ही देख रखा है कि निरोधी विभव एक प्रकार से एनोड की तरफ आने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहता है। सिंपल सी बात है कि हमने एनोड को इतना ज्यादा आपके पास विभव दे रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके तरफ कभी आ ही नहीं पाए, इसके द्वारा प्रतिकर्षित हो जाए। तो अगर गतिज ऊर्जा मैक्सिमम है तो उस केस में निरोधी विभव का मान भी कैसा होना चाहिए, रोकने के लिए मैक्सिमम होना चाहिए। अगर गतिज ऊर्जा आपके पास मिनिमम हो गई तो इन तीनों कैटेगरी में
जो निरोधी विभव का मान है वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। बात क्लियर? कि अगर आपके पास तीन अलग अलग आवृत्तियों का प्रकाश धात्विक सतह पर आपतित किया जाता है, जहां पर सभी आवृत्तियों का मान देहली आवृत्ति के मान से ज्यादा है, तो उस केस में जो अधिकतम आवृत्ति वाला प्रकाश होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होगी, और उसको एनोड की तरफ जाने से रोकने के लिए निरोधी विभव का मान भी अधिकतम हमको प्राप्त होगा। बात क्लियर? तो देखिए, अगर इसके ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात करें, तो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, हमने तीन कंडीशन ले रखी थी, न्यू वन इज ग्रेटर देन न्यू टू इज ग्रेटर देन न्यू थ्री। ठीक है, हम ग्राफिकल प्लॉटिंग शुरू करते हैं। यहां पर आपके पास विभव है, यह हमारे पास प्रकाश विद्युत धारा है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे, तो सपोज न्यू वन आवृत्ति का प्रकाश अपने पास आया, ठीक है, न्यू टू आवृत्ति का प्रकाश अपने पास आया, और न्यू थ्री आवृत्ति का प्रकाश अपने पास प्राप्त हुआ। ठीक है, यह हम मान लेते हैं न्यू वन, न्यू टू एंड न्यू थ्री। न्यू वन से रिलेटेड जो निरोधी विभव है V01, V02 और V03। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जो अधिकतम आवृत्ति है उससे संगत जो निरोधी विभव है वो भी हमको अधिकतम प्राप्त हो रहा है। और कारण आपको समझाया गया है कि कार्यफलन कभी भी चेंज नहीं होता है, कार्यफलन कांस्टेंट है। तो अगर अधिकतम आवृत्ति का प्रकाश आया, उसमें से कार्यफलन कैंसिल हो गया, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो बचा हुआ अमाउंट इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और अगर वो बचा हुआ अमाउंट मैक्सिमम है तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी ऑटोमेटिकली मैक्सिमम होगी, और उस गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को एनोड की तरफ आने से रोकने के लिए जो निरोधी विभव की आवश्यकता होगी वो भी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तीसरी कैटेगरी की अपन बात करते हैं, जहां पर हम प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित तीव्रता या इंटेंसिटी का रिलेशन लिखना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं तीव्रता या फिर इंटेंसिटी के रिलेशन। देखिए, तीव्रता का मतलब होता है फोटॉन्स इंसिडेंट इन अ यूनिट टाइम ऑन अ यूनिट सरफेस, एक इकाई सतह पर इकाई समय में आपतित होने वाले फोटॉन्स की संख्या, उसकी तीव्रता कहलाती है। ठीक है, सपोज हम पहली कैटेगरी लिए, जहां पर आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति के मान से कम है, तो यहां पर हम बार बार बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिकीय आकर्षण से फ्री नहीं होगा, और उस केस में प्रकाश विद्युत धारा जीरो प्राप्त। सेकंड स्टेप कि सपोज आपके पास जो आवृत्ति है उसका मान देहली आवृत्ति के मान से अधिक, तो जाहिर सी बात है इस पर्टिकुलर केस में प्रकाश विद्युत धारा की प्राप्ति होनी चाहिए। अब यहां पर तीन ऑब्जर्वेशन करे गए, सपोज फर्स्ट केस में इंटेंसिटी I1 थी, दूसरे केस में I2 थी, तीसरे केस में I3। I1 इज ग्रेटर देन I2 एंड I2 इज ग्रेटर देन I3। सपोज यहां पर 1000 फोटोन है, यहां पर 500 फोटोन है, यहां पर 200 फोटोन है, और ध्यान रखने लायक बात यह है कि हर केस में फोटोन्स की आवृत्ति इस देहली आवृत्ति के मान से अधिक है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला फोटोन आएगा तो वहां पर जो करंट का मान है वो भी अधिकतम प्राप्त होगा। ठीक है, इसको हम किस प्रकार से स्टडी करते हैं, ये हमारे पास पोटेंशियल है, ये हमारे पास करंट है। ठीक है, अब यहां पर देखो कि इलेक्ट्रॉन्स की जो गतिज ऊर्जा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। भाई, आपतित फोटोन की आवृत्ति तो कितनी रहने वाली है, न्यू है, उसमें से देहली आवृत्ति से संबद्ध अगर ऊर्जा का मान अपन माइनस कर दें तो ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के पास में जाएगी और ये क्या दे देगी, उसको गतिज ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा दे देगी। ठीक है, अब बात आती है कि यहां पर पहले हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब की बार हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इस केस में जो आपके पास प्रकाश विद्युत धारा है वो तो बढ़ जाना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम एनोड की तरफ जाने से रोकना चाहें तो उस विभव का मान तो वही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर इस पर्टिकुलर केस में जो निरोधी विभव है उसके मान में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं आता है,
लेकिन जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा और संगत सतत धारा का मान भी बढ़ता जाता है। सपोज I3, I1 इस प्रकार से लिखे गए। जब अधिकतम तीव्रता होगी तो जो संतृप्त धारा है उसका मान अधिकतम प्राप्त होगा, सैचुरेटेड करंट। देखिए संतृप्त धारा क्या होता है कि हर एक मेटल की अपनी कैपेसिटी फिक्स है कि वो मैक्सिमम इतना करंट फ्लो करा सकता है, तो वो जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है जितने करंट के लिए वो विदिस्टेंड कर सकता है, जितना करंट वो अपने अंदर से फ्लो करा सकता है, उसको हमने संतृप्त धारा कहा। अगर आपके पास धारा का मान संतृप्त मान से सैचुरेटेड मान से भी ज्यादा कर दिया जाए तो मेटल या वो धातु विदिस्टेंड नहीं कर पाएगा और वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा या उसमें ऊर्जा का एक प्रकार से नाश हो जाएगा। तो संतृप्त धारा कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है मेटल की हमारे पास कंडीशन क्या है, मेटल हमने किस प्रकार का काम में ले रखा है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न चीजों का प्रकाश विद्युत धारा पर किस प्रकार का प्रभाव होता है, क्या क्या इफेक्ट हमको प्राप्त होते हैं, उनकी आसानी से गणना कर सकते हैं। बात क्लियर। विभव का मान देखिए, जब हमने विभव का मान बढ़ाया, एनोड की ध्रुवता बढ़ाई, एनोड की धनात्मक ध्रुवता बढ़ाई, इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से आकर्षित हुआ, प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि आ गई। जैसे जैसे एनोड की ऋणात्मक ध्रुवता को बढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण है एनोड की तरफ वो कम होता जाएगा, और हमने एनोड को इतना ऋणात्मक विभव दे दिया कि इलेक्ट्रॉन कभी उसकी ओर पहुंच ही नहीं पाया, वो रिपेल करने लग गया, करंट हमारा जीरो हो गया, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। आवृत्ति की बात करते हैं तो ये केस तो डायरेक्टली आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आवृत्ति का मान पहली आवृत्ति के मान से कम हो तो प्रकाश विद्युत धारा की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन के केसेस में अलग अलग आवृत्तियों के मान जो कि सभी दहली आवृत्ति से अधिक है तो जिसके लिए आवृत्ति मैक्सिमम होगी उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा और उस इलेक्ट्रॉन को एनोड की तरफ जाने से रोकने के लिए जो विभव का मान होगा, जो निरुद्धि प्रभाव होगा वो भी मैक्सिमम प्राप्त होगा। अगर केवल तीव्रता बढ़ाई जाए कि एक फ्रीक्वेंसी हमने फिक्स कर ली कि न्यू आवृत्ति का फोटोन है जिसका मान दहली आवृत्ति के मान से ज्यादा है उसकी तीव्रता हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, सपोज 1000 फोटोन, 500 फोटोन, 300 फोटोन, तो उस केस में जहां पर अधिकतम फोटोन इंसिडेंट होंगे वहां पर संतृप्त धारा का मान भी ऑटोमेटिकली मैक्सिमम प्राप्त होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को एनोड की तरफ जाने से रोकने के लिए एनोड को जो हम ऋणात्मक विभव देंगे, जो निरोधी विभव देंगे, वो इन तीनों ही इंटेंसिटीज के केस में, इन तीनों ही तीव्रता के केस में फिक्स हो जाएगा। बात क्लियर। एक बार इन टॉपिक्स को रिवाइज करिए, उसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश विद्युत समीकरण की। अब हमारे पास बात आता है प्रकाश विद्युत समीकरण। तो देखो प्रकाश विद्युत समीकरण को किस प्रकार से समझाया जाए। सबसे पहले दहली आवृत्ति को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, न्यू थ्रीशोल्ड, और परिभाषा आपको बताई दी कि वह न्यूनतम मान की आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन नहीं होता है, तो यह दहली आवृत्ति मानी गई। संगत दहली तरंगदैर्ध्य की बात करें तो दहली तरंगदैर्ध्य हम कितना लिख सकते हैं, लैम्डा थ्रीशोल्ड, जिसकी वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन न्यू थ्रीशोल्ड, ठीक है। अगर हम कार्यफलन की बात करें तो कार्यफलन का मतलब होता है वह ऊर्जा जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के आकर्षण से फ्री हो जाता है। तो देखो दहली आवृत्ति ही वह मिनिमम आवृत्ति थी जिसने इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण से फ्री करा था, तो इस दहली आवृत्ति से संगत जो ऊर्जा होगी वो धातु के कार्यफलन के इक्वल मान ली जाए। ये तीन कैटेगरी, ये तीन पैरामीटर्स, ये तीन परिभाषाएं, इन सभी के मान अपने दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रकाश इक्वेशन, प्रकाश विद्युत समीकरण किस प्रकार से प्राप्त किया जाना चाहिए।
सपोज जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, जो आपतित आवृत्ति है, वो आपतित आवृत्ति हमारे पास न्यू, ठीक है। और यहां पर कंडीशन वापस से वही है कि आपतित आवृत्ति का मान थ्रीशोल्ड मान से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपतित आवृत्ति है तो फोटोन की ऊर्जा, जो फोटोन धात्विक सतह पर आपतित हो रहा है, उसकी ऊर्जा लिखी जा सकती है E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण ऊर्जा, देखिए जो आपतित ऊर्जा थी, जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थी, उस इंसिडेंट एनर्जी से कार्य फलन या वर्क फंक्शन के बराबर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को नाभिक आकर्षण से फ्री करने के काम में आई, और बची ऊर्जा ने इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रोवाइड करी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, जो कार्यफलन है, ठीक है। या फिर गतिज ऊर्जा का मतलब, अगर इलेक्ट्रॉन का मान v मान लिया जाए, उसका वेग v मान लिया जाए, यहां पर सपोज हम वेग को v1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि आगे अपन पोटेंशियल लिखेंगे तो वहां पर भी एक सिंबल v आएगा, तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, जो वेग है, उसको v1 मानकर चल रहे हैं। m का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो गतिज ऊर्जा इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू थ्रीशोल्ड, ठीक है। और यही चीज क्या है, यही अपने पास प्रकाश विद्युत समीकरण है। इसके कई अन्य प्रकार के प्रारूप भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली हम यही इक्वेशन मानकर चलते हैं। आगे आप इसको लैम्डा की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो हम लिख सकते हैं हाफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा थ्रीशोल्ड, ठीक है। ये तरंग दधेरे के रूप में प्रकाश विद्युत समीकरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट चीज देखिए, अगर इसको निरोधी विभव के रूप में लिखना है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इतनी है, और निरोधी विभव को हम वी नोट मानकर चलें, तो उससे संबद्ध ऊर्जा यदि इस गतिज ऊर्जा के बराबर हो गई तो इलेक्ट्रॉन कभी भी एनोड की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। उस पर्टिकुलर केस में यदि स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव V0 हो, निरोधी विभव को हमने क्या मान लिया V0, तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल टू ईवी नॉट लिखा जा सकता है। और इस पर्टिकुलर केस में देखो क्या बनेगा, हम लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा जो कि ईवी नॉट के बराबर है इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, बात क्लियर, ठीक है। या फिर इसका आगे का पार्ट हम यहां पर लिख लेते हैं, V नॉट इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई माइनस पाई अपॉन ई, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, Y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कार्य फंक्शन वर्क फंक्शन कार्यफलन कांस्टेंट होता है, आवेश कांस्टेंट होता है, ये टर्म कांस्टेंट है, न्यू आपके पास एक पैरामीटर है, एच न्यू ये भी कांस्टेंट है, दैट रिप्रेजेंट द एम, और वी नॉट हम वाई फलन पर वाई फंक्शन पर मान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन प्राप्त हुआ वो इक्वेशन एक तरीके से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, जिसका इंटरसेप्ट, जिसका अंतःखंड कैसा है, नेगेटिव है, बात क्लियर। तो इस प्रकार से प्रकाशीय समीकरण को अलग अलग प्रारूप के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास चीजें थी, जहां पर हमने प्रकाश विद्युत समीकरण की, प्रकाश विद्युत प्रभाव की, इसके प्रकाश विद्युत धारा पर कौन कौन से पैरामीटर्स इफेक्ट डाल सकते हैं, उन सब की बात करी। अब बात यहां पर वापस से यही आ जाती है कि आखिर ऐसे कौन से कारण थे जिससे इस प्रभाव को चिर सम्मत सिद्धांत के द्वारा निरूपित नहीं किया गया, नहीं समझाया गया। तो हम बात करते हैं कि चिर सम्मत सिद्धांत इसकी व्याख्या करने में क्यों असफल रहा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, जो क्लासिकल थ्योरी है
जो चिर सम्मत सिद्धांत है, तो चिर सम्मत सिद्धांत की असफलता के कारण। ठीक है, चिर सम्मत सिद्धांत की असफलता के कारण जो हमने अभी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था वही इसकी असफलता के कारण भी माने जा सकते हैं। देखो, चिर सम्मत सिद्धांत ये बोलता था, या चिर सम्मत सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आपतित आवृत्ति के लिए प्रकाश विद्युत धारा की प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑब्टेंड फॉर ईच एंड एवरी फ्रीक्वेंसी, मतलब चाहे से फ्रीक्वेंसी का मान कुछ भी हो हमको करंट मिल जाना चाहिए था, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी आएगी तो ऊर्जा लेकर आएगी। ऊर्जा के द्वारा हमको, अगर हम ऊर्जा रूपांतरण की बात करें तो विद्युत धारा भी एक प्रकार की ऊर्जा है तो मिलनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जब तक आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति के मान से कम होगा प्रकाश विद्युत धारा प्राप्त ही नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी, उसका कारण आप लोगों को पहले ही समझाया जा चुका है कि जो ये कंडीशन है यहां पर फोटोन इतनी ऊर्जा दे ही नहीं पाएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो सके। ठीक है, तो पहला कारण तो यही माना गया कि चिर सम्मत सिद्धांत ये बोलता है कि प्रत्येक आपतित आवृत्ति के लिए हमेशा विद्युत धारा की प्राप्ति होनी चाहिए, जो कि प्रैक्टिकल वे में हमने देखा नहीं होती। दूसरा रीजन देखो क्या था, दूसरा रीजन ये था कि चिर सम्मत सिद्धांत ने बोला कि अगर तीव्रता या इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए तो जो प्रकाश विद्युत धारा है वो भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, यहां पर भी असफलता का कारण वही रहा कि अगर आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से मुक्त ही नहीं हुआ है, तो आप तीव्रता को कितना ही ज्यादा बढ़ा दो वहां पर कभी भी प्रकाश विद्युत धारा की प्राप्ति हमारे पास नहीं होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक है कि फोटोन इतनी ऊर्जा उसको सप्लाई करे कि वो नाभिक के आकर्षण से फ्री हो और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करे। केवल तीव्रता बढ़ाने से इस अवधारणा की पूर्ति नहीं होती। ठीक है, तो चिर सम्मत सिद्धांत ने यह बोला कि अगर तीव्रता बढ़ाई जाए तो विद्युत धारा बढ़ेगी, लेकिन हमने प्रैक्टिकली देखा कि जब तक आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है आप तीव्रता कितनी ही बढ़ा दो प्रकाश विद्युत धारा का मान जीरो ही रहता है। तीसरा केस, तीसरे केस में चिर सम्मत सिद्धांत ने यह बताया कि जब हम धात्विक सतह पर फोटोन आपतित करेंगे तो कुछ ऐसी घटना होगी कि फोटोन से संबद्ध ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ग्रहण करी, अपने नाभिक के आकर्षण से फ्री हुआ, उसके बाद में वो धात्विक सतह पर आया, फिर जाकर वो एनोड की तरफ मोशन करना शुरू करा और विद्युत धारा की प्राप्ति हुई। तो इन सभी प्रक्रिया में कुछ ना कुछ कालपश्चता, कुछ ना कुछ टाइम लैगिंग होती है। हम ये कह सकते हैं कि चिर सम्मत सिद्धांत के अनुसार जब आपके पास धात्विक सतह पर प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन आएगा और प्रकाश विद्युत धारा की प्राप्ति होगी तो इसमें कालपश्चता, कुछ ना कुछ टाइम लैगिंग होना चाहिए। जबकि प्रैक्टिकल वे में हमने ये देखा कि अगर आपतित आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति के मान से ज्यादा है तो हाथों हाथ इंस्टेंटली हमको प्रकाश विद्युत धारा की प्राप्ति हो जाती है, वहां पर किसी भी प्रकार से कालपश्चता या टाइम लैगिंग का कंसेप्ट नहीं आता। कि जैसे आपके पास इंस्टेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी देहली आवृत्ति से, थ्रीशोल्ड वैल्यू से ज्यादा है, इंस्टेंटली हमको एमिटर के अंदर डिफ्लेक्शन दिखाई देता है, मतलब प्रकाशीय विद्युत धारा की प्राप्ति वहां पर हो जाती है। तो मुख्य रूप से ये तीन कारण थे, टाइम लैगिंग या कालपश्चता और चिर सम्मत सिद्धांत। इन तीनों ही कंसेप्ट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल वे में प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, तो यही मुख्य कारण माना गया जिसके द्वारा हमने प्रकाश के ऊर्जा के इंडिविजुअल पैकेट्स की बात करें, या ऊर्जा के इंडिविजुअल पैकेट्स के आधार पर ही इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करा जाता है। नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स में, नॉर्मल चिर सम्मत सिद्धांत में ऊर्जा सततता के आधार पर, एनर्जी कंटिन्यूएशन के बेसिस पर हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये टॉपिक उस बिहेवियर को शो कर रहा है जो कि मैक्स प्लैंक ने 1900 के आसपास स्टडी करा था। ठीक है, उसने अपना पेपर पब्लिश करा और 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करी, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो
एनर्जी के पैकेट्स हैं जो फोटॉन्स हैं, या हम मान सकते हैं कि क्वांटम का जो उद्भव है, क्वांटम का जो मेन ओरिजिन है, क्वांटम को समझने का जो तरीका है वो इस कंसेप्ट के बेसिस पर ही आगे जाकर एक्सप्लेन करा है। हम आगे और भी बात करेंगे, अभी तो क्वांटम ये टॉपिक हमने इसलिए लिया है क्योंकि इस टॉपिक के बारे में हमने पहले से ही थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो चीजों को समझना, उनको ग्रेस्प करना, उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत ईजी हो जाती है। अब अगले प्रभाव के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज का एक्सप्लेनेशन देंगे कि वास्तव में मैक्स प्लांक बताना क्या चाह रहा था, जो ऊर्जा का फोटोन का कंसेप्ट उसने बताया उसके क्या क्या इंटरप्रिटेशंस हुए, उसके क्या क्या मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशंस हुए, उन सब की अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।